जिला स्तरीय आपदा राहत अनुसरण समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे सुबह बिहार के माननीय गन्ना महोदय को प्रतीक मोमेंटो के करते हुए अनुश्रवण सह निगरानी समिति द्वारा विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय विधायक गण, जिला अधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें कि जिले के आम जनमानस से जुड़ी समस्याओं पर समीक्षा किया एवं इसके अलावा कटिहार जिला अंतर्गत गंगा, महानंदा एवं अन्य नदियों से हो रहे तटबंधों के कटाव स्थल पर कटाव निरोधी एवं आवश्यकता अनुसार सभी कटाव स्थलों पर ठोकर निर्माण के कार्य के सर्वेक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किए गए और सभी प्रखंडों में GR राशि से वंचित परिवारों के लिए उच्च स्तरीय जांच कराकर सभी पीड़ित परिवारों को राशि मुहैया कराने एवं साथ ही साथ सभी प्रखंडों में बाढ़ के समय कार्यरत नाविकों एवं गोताखोरों के बकाया राशि का भुगतान अविलंब किया जाए, इसके हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला अधिकारी उदयन मिश्रा, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी गन्ना, उद्योग मंत्री, कानपुर विधायक निशा सिंह, कोठम विधायक कविता पासवान, कदवा विधायक शकील अहमद, बारसोई विधायक महमूद आलम सहित जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद थे। काम शुरू होना है तो जो जो निविदा युक्त काम है, जिस काम का टेंडर हुआ है और शिथिल पड़ गया, तो उसको जो भी विभाग के काम हो उसका प्रोग्रेस प्रतिवेदन जिलाधिकारी जी को PWD हो, तो हर निविदा का एक प्रोग्रेस एक वर्क प्लान बनता है, हर निविदा का, तो उस वर्क प्लान के साथ प्रोग्रेस प्लान आपको बनाकर एक सप्ताह के अंदर ये निविदा हुआ तो इसका ये वर्क प्लान है और इसका ये प्रोग्रेस प्लान, और DM साहब एक अधीक्षा हो कि उस वर्क प्लान के हिसाब से हमारा काम हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ काम किया कुछ काम, इस दिशा में एक जो है हर चीज का जो एक वर्क प्लान की समीक्षा की, सरकार के विभाग का नहीं है ये MP MLA का भी जो वर्क है उसका भी जो कोई काम लिया है उसका भी वर्क प्लान की समीक्षा हो, समय पर काम हो जाए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम सुझाव आप लोगों के बीच में जो हमारे ज्ञान में था हमने रखने का प्रयास किया है, अब बारी बारी से जो हमारे माननीय सदस्य इस विषय से फंसा हुआ ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। मनिहारी SPDM साहब नोट कर लीजिएगा, ये RWD का सड़क है, तो ये बता रहा है कि कहां फंसा हुआ है, ये सोच रहा है कि पटना में जाकर फंसा है। और जैसे कि PhD विभाग से हमको कॉल आया था कि मैं हमसे जो है वहाँ से जगह दिया जाए कर दिया आपके द्वारा नहीं, हमसे पूछा गया था क्या तो वहाँ पे कुछ जगह मैडम बोले जो उच्च स्थान है जहाँ पर आज जो है बाढ़ प्रभावित जो अपना कटिहार जिला है, इस जिला के जो भी प्रभावित क्षेत्र था इसकी स्थायी निदान का क्या हो, जो हमारे कटाव हुए हैं उसके संरक्षण संवर्धन का क्या हो, जो सड़क टूटे हैं, जो बिजली के खम्भा टूटे हैं, जो विद्यालय ध्वस्त हुए हैं, तो जो भी बाढ़ से हुए क्षति, जो इन क्षति के बारे में हमारे माननीय सांसद महोदय माननीय विधायकगण ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन दिया है और इसका एक कॉमन एजेंडा बनाकर एक इसकी सूची बनाकर और राज्य सरकार के पास जा रही है और फिर इसके निदान के दिशा में राज्य सरकार और भारत सरकार के माध्यम से जो इस आपदा घड़ी में जो क्षति हुई है इस क्षति को आपूर्ति कर दे और जो सड़कें चलने योग्य बना दे, मोटेबल बना दे, इस दिशा में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और मैं धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को कि जो इस आपदा के घड़ी में बहुत तत्परता से आम लोगों को जो इस प्रभावित लोग हैं उनको बहुत अच्छा सेवा सहयोग करने का काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। सर GR राशि को लेकर भी कुछ GR राशि
हम लोगों ने दिया है और जो बाकी छूटे हैं उसको भी 20 तारीख तक देना है। आज जो कोई नाम छूट गया है तो एक जांच दल बना है, कमिटी बना है, उसके माध्यम से जो लोग देंगे तो उसको जिला प्रशासन जांच करा कि उसकी वास्तविकता को उसको भी देने का काम करे। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, चाहे जो भी पीड़ित हैं उनके बारे में सरकार अपने स्तर से, अधिकारी अपने स्तर से काम कर रही है, कर रहे हैं। आपको अगर कोई विशेष जानकारी है तो सूचना दीजिएगा, इसको संज्ञान में लेकर उसका निदान निकाला जाए। धन्यवाद सर। जो धर्म, मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि पहले लगभग 400 एकड़ के जमीन खोजा गया था, आज लगभग 70 और प्लॉट खोजे गए हैं जो लगभग 80-90 एकड़ का है, और इसके अतिरिक्त और भी कई न्यास बोर्ड की परिसंपत्ति की पता जिला प्रशासन ने लगाया है। और आपको बता दें कि अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, फुल बेंच ने कहा है कि न्यास बोर्ड की जो भी परिसंपत्ति है उसमें सेवादार मालिक नहीं है, उसके इष्ट देव ही उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो जो भी न्यास बोर्ड के जो सेवादार हैं उनको उस संपत्ति से के मालकियत नहीं होगा, उनका सेवा का जो उनकी मजदूरी होगी, उनकी हक होगी, उनको दिया जाएगा। और जो मंदिर में दान होगा उस दान की पेटी में दान होगा, वह सील होगा और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने खोला जाएगा, बैंक में उसका रुपया रहेगा और न्यास बोर्ड की उसकी आय विवरण की संपत्ति का और उसके खर्च, आमद खर्च का विवरण देना होगा। तो कटिहार से में हमने इस सुझाव को दिया है कि यहाँ से एक प्रारंभ हो, बड़ा बड़ा मंदिर जो है वहाँ से एक मॉडल प्रारंभ हो जो बिहार के हर मंदिर में लागू हो।